जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे क्रिकेट कैफे टोकन स्पोर्ट। आज क्या मैच खेला पाकिस्तान ने, बिल्कुल घटिया मैच खेला यार। बैटिंग तुम्हारी फ्लॉप हो गई। एक क्या रन बनाया, 137 रन नहीं, ये गलत रन बनाया तुमने। आज की बैटिंग के हिसाब से आपको 160 बनाना चाहिए था, लेकिन आपने 137 रन बनाया। एंड के पांच ओवर तुमने एंड के पांच ओवर जो है आपने बहुत कम स्कोर किया, 18 रन बनाए, जो हमारे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। बहुत गलत खेला तुम लोगों ने यार, हमारे जज्बातों के साथ खेला तुमने। बहुत दिन बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे आप? क्या बोलूं यार, इतना बेकार क्रिकेट खेली गई। और पहली बैटिंग है, इतनी घटिया बैटिंग करी। 137 को स्कोर है यार, 137 बेकार बिल्कुल। क्या खेला यार, बाबर को चाहिए। बोलो ना। नहीं बाबर, बोलो, जज्बात निकालो अपने के, क्या खेला तुमने? बाबर आजम को चाहिए कि अपना बैट बॉल बेचे। छोड़ दे कप्तानी, खुदा के लिए छोड़ दे कप्तानी, छोड़ दे पाकिस्तान का पीछा। नहीं चाहिए भाई तेरी कैप्टनसी, हमें नहीं चाहिए, नहीं कर सकता भाई तू। बाबर ना रिजवान दोनों निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। भाई बाबर आजम को चाहिए कि स्टेडियम में खेलने के बजाय ना वो चने बेचे वहाँ पर। सिंगल ओवर खेल ले, तेरे को उसी में मैं हरा दूंगा। अबे 137 रन हद होती है यार, ये भी कोई स्कोर है? ये कोई स्कोर है? 120 बॉल पे 137 रन, क्या यार। और उसमें से भी भाई बाबर आजम 28 बॉल पे 32 रन, रिजवान भाई 28 बॉल पे 32 रन, 33 रन, ये भी कोई स्कोर है? न्याय जी, कोई घटिया किस्म की बैटिंग करी आज पाकिस्तान टीम ने। मोहम्मद वसीम तुम्हारी शक्ल पे भी लानत है, वो जो सिलेक्टर है तुम्हारी, ये सिलेक्शन है, खुश दिल शाह को लेकर जा रहे हो। अबे क्यों लेके जा रहे हो भाई, जब तुम्हें पता है वर्ल्ड कप खिलाना है तो अच्छे बैट्समैन तो खिलाओ। नहीं भाई, तुम्हारे भाई गिने चुने यही 11 प्लेयर थे, उससे ज्यादा तो तुम्हारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। बिला वजह में हैदर अली को लेकर गए, हैदर अली ने क्या कर लिया तुम्हारे? उखाड़ लिया कुछ तुम्हारा? कुछ नहीं उखाड़ा उसने भी। हैदर अली भी ऐसी 10-12 मैच खेल के बस आप थोड़ा एवरेज देखो, कुछ भी नहीं है यार। 70-60 के एवरेज में बंदा खेल रहा है, कितने रन बनाया मुश्किल से 90-80 रन बनाया। अबे तू घंटे का प्लेयर है यार, तू PSL खेल। बाबर आजम किंग है, आपको नहीं पता क्या? अबे घंटे का किंग है तू, घंटे का किंग है। किंग इसे नहीं बोलते है, किंग कोहली है। हम तो खुश है भाई, हम इंडियन है, इंडिया से नहीं है, लेकिन कोहली खेलता है अपने मुल्क के लिए खेलता है। हार्दिक पांड्या है हमारे, देखो नवाज वसीम। अबे ऑलराउंडर है तू, क्या है भाई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस? पता भी है किसे बोलते है? जो इमाद वसीम देता है इसे बोलते है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। आसिफ अली को बिला वजह बैठा दिया, क्या कर लिया बाकी उन्हें आगे? घंटा उगाड़ लिया, कुछ भी नहीं उगाड़ा। वो हारिस ने भी कुछ नहीं करा आज तो, इफ्तिखार चाचा ने कुछ नहीं किया, शदाब ने क्या किया? हारिस की बात ही नहीं करो ना, हारिस ने करा। शान मसूद ने क्या कर दिया? अगर बाबर आजम है, हारिस को निशाना बनाओगे अब क्या? भाई पूरी टीम की गलती है ना, जब भी तो मैच हारे ऐसे थोड़ी हारे हैं, एक बंदे की वजह से थोड़ी हारे हैं। खेल लो यार, हमें तो गुस्सा आ रहा है यार कि इंग्लैंड के हाथ में ट्रॉफी। शाहीन शाह अफरीदी है भाई, जब फिट ही नहीं थे तो मैच क्यों खेल रहा था ये तो बता यार। जब फिट ही नहीं है 100%। हमारी बॉलिंग पे तो बात ही नहीं करो, बिलाल बेकार है, क्योंकि हमारी बैटिंग नहीं जो हमें डुबाया है ना एंड के पांच ओवर खेल के। अबे 30 बॉल पे तुमने 18 रन बनाए, हद होती है, लानत है भाई। नवाज को देख लो, जिम्बाब्वे वाला मैच उसने हराया, इंडिया वाला मैच उसने हरवाया, आज देखो जब बैटिंग करने की बारी आई तो फिर बॉल दे दिया हाथों के अंदर भी पूरी। दोनों से अच्छा तो हारिस ही है, फाइनल तक लेकर ही हारिस आया इन लोगों को। यार क्या खेला यार, इतना मजे से हम लोग ने यहां पे स्प्रिंट लगाई थी यार। मतलब इतनी ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ के भाई अच्छा खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे। अभी एशिया कप में भी फाइनल हार गए, वर्ल्ड कप में भी फाइनल हार गए, अजीब बेकार। हमें पूरा एक साल तक ना दुख रहेगा कि यार पाकिस्तान फाइनल इतना गंदा हार गई यार। भाई बाबर आजम में कब से देख रहे हैं, एशिया कप में नहीं चला, बीच की सीरीज में नहीं चला, पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप रहा। उसको हर बंदा बोल रहा है कि आप वन डाउन आ जाओ, लेकिन मानते नहीं है बात भाई। वन डाउन क्यों नहीं आ रहा है बाबर आजम? तो हमारी जान ही नहीं छोड़ेगा यार भाई। आदिल राशिद को ऐसे कहीं दे दिया जिसने बच्चों की तरह। सेमीफाइनल बाबर आजम की वजह से हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि बाबर आजम को कैप्टनसी याद ही नहीं है, बॉलर को समझाना आता ही नहीं है। सरफराज भी तो था भाई, हमारे कितने स्कोर हो गए थे? हार्दिक पांड्या और जडेजा दोनों जम गए थे, 100 रन की पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन सरफराज ने हाथ नहीं छोड़ा। सरफराज ने आगे हर वक्त बॉलर को समझाया कि हमारे हाथ में है मैच, हमारे हाथ में, तुम्हारे को निकालना नहीं है मैच, तुम्हें पिटना नहीं है, समझो तुम मैच जीत गए हो, आखिरी विकेट लेनी है तुम्हारे को।
बाबर आजम और तुमने क्या किया, हमारे को 9 बॉल पर 18 रन चाहिए, तुम्हारी वजह से वो सेमीफाइनल आ रहे हैं, एशिया कप का फाइनल तुम्हारी वजह से आ रहे हैं और रिजवान की वजह से आ रहे हैं, क्या बैटिंग की थी तुम लोगों ने और क्या निकला। अबे जो श्रीलंका की बैटिंग अभी देख लो क्या खेला श्रीलंका ने बड़ी टीमों के खिलाफ, और श्रीलंका हमारे को फाइनल हराई है यार, 50 पे 5 आउट होने के बाद भी श्रीलंका एशिया कप में 170 पे पहुंच गई, उसके बाद हमारी टीम रिजवान 50 बॉल पे 55 रन। अबे फाइनल खेल रहा है, क्या खेल रहा है यार तुम्हारे को, अब क्या मतलब नंबर वन है तो तुम्हें सर पे चढ़ा लेंगे, आज भी तुमने वही हरकत कर दी, बाबर आजम ने भी वही हरकत कर दी, हारिस को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हारिस ने पहले मैच में इस तरीके से परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा है, क्लास का बैट्समैन है वो, लेकिन थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था ना उनको यार, ऐसा भी नहीं है कि आप पावर प्ले खुल गया उसके बाद आपको पता है कि पावर प्ले खुल गया उसके बाद भी आप बड़े बड़े शॉट लगा रहे हो भाई, आपको पता है जब पावर प्ले पूरा खुल चुका है तो फिर आप इतना बड़ा हेड की तरफ जाए क्यों रहे हो यार, अगर आपका छक्का आप परफेक्ट मार सकते हो तो आप पूरा खेलो ना यार, इसी तरह नवाज है हाथों में गेंद देके जा रहा है और शान मसूद ने हाथों में गेंद दे दी, इफ्तिखार अहमद है पता नहीं क्या शॉर्ट बॉल को, ऐसा लग रहा है खेलना ही नहीं आता है, कभी खेल ही नहीं है शॉर्ट बॉल। बोलूंगा सिलेक्टर को चाहिए कि भाई आप मलिक आमिर बाब रियाज और इमाद वसीम इन चारों को लेकर आ जाए भाई, सीनियर हैं ये लोग, थोड़ा टीम को लेके चलेंगे, भले आपको सरफराज को नहीं लेना मत ले, लेकिन कम से कम उसको ड्रेसिंग रूम में बैठाए कि वो कम से कम लोगों को तजुर्बा देगा, तुम्हारे पास कोई तजुर्बा नहीं है, तुम लोग सारी यंग टीम लेकर गए, बाबर आजम भी यंग है, कोई इतना सीनियर नहीं बना है, वो 5 साल से कंटिन्यू खेल रहा है, बाबर आजम को चाहिए कि थोड़े अपने दिल से थोड़े लोगों के लिए नफरत निकाले और मोहब्बत लाए थोड़ी सी, तुम इस तरीके से नीचे गिर जाओगे, तुम उठ नहीं पाओगे उसके बाद। बहरहाल इंग्लैंड ने अच्छा खेला और आज जीत गए मैच, पाकिस्तान की वजह हार की वजह बैटिंग थी जो फ्लॉप हो गई है बिल्कुल। चले इसी के साथ इजाजत दीजिए, अब इंशाल्लाह हमारा T20 वर्ल्ड कप तो एंड हो गया, अब हम नए सीजन में मिलेंगे, जैसे कोई सीरीज होगी जो कि PSL का इवेंट होगा, IPL का इवेंट होगा, हम उसमें मिलेंगे, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।